हाँ जी, तो स्वागत है आपका जगदलपुर छत्तीसगढ़ के एपिसोड नंबर 4 में। इस एपिसोड में मैं आपको कोई फैंसी चीज़ें नहीं दिखाना जगदलपुर की, बट मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ जगदलपुर की खेती, मतलब वहाँ की खेती में और यूपी बिहार की जो खेती होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो वो फूफा जी ने बोला दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो उसका एक ब्लॉग बना ही देते हैं, क्योंकि वो फार्मिंग वगैरह करते हैं थोड़ी बहुत। ब्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है, तब इतना भी छोटा नहीं होगा कि मैं इसको शॉर्ट्स में करके डाल दूं, और इतना भी बड़ा नहीं होगा कि मैं इसको 10 मिनट का कर दूं। अब जितना बड़ा ब्लॉग होगा आप उतना मैनेज कर लेना, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट जितने का भी हो। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। हाँ जी भैया, तो आज की कहानी है कुछ ऐसी कि अभी बज रहा सुबह के 6:30 7 बज रहा, और आज हम जाने वाले हैं यहाँ छत्तीसगढ़ की फार्मिंग देखने की, यहाँ फार्मिंग कैसे होती है। तो मेरे फूफा जी का फार्म है, उन्होंने खेती वगैरह की है, तो उनके साथ हमें जाना है। तो पहले जा रहा हूँ पंप पे, यही बगल में पंप है, और वहाँ पे रूम है, वो वाला रूम है, ये पंप है, यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ से फूफा जी के साथ हम लोग जाएंगे खेती देखने आज। तो सुबह सुबह यही प्लान बन गया आज खेती देखने जाने का, और आज ऐसा चौथा दिन है यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ जगदलपुर में। और खेत पे पहुंच के मुझे ये देखकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब वहाँ का जो सिक्योरिटी तरीका है, मतलब जानवरों से बचाने के लिए, खेतों को जानवरों से बचाने के लिए जो फेंसिंग की जाती है, यूपी बिहार में नॉर्मली जो फेंसिंग जाती है तार वगैरह लगा देते हैं, या फिर रस्सी वगैरह बांध देते हैं, या फिर लकड़ी लगा देते हैं, बस उतना ही। बट यहाँ पर थोड़ी अलग तरीके की थी, मतलब जैसे मतलब खुद भी अगर जाना है तो थोड़ा बहुत कूद फान करके जाना पड़ेगा। रखे नहीं जानवर लोग से बचाव के लिए जाली को लगाए हैं। हाँ हाँ, पौधा लगा तो है। इसमें छिपने के लिए भुट्टा दिख रहा है ना? हाँ, वहाँ पे लेके वो जो पेड़ दिख रहा है एक, हाँ, बाउंड्री के अंदर में, हाँ हाँ, वहाँ तक है अपना। अरे पूरा खाली किसका फसल है? धान का। चप्पल खोल दो, स्लिप ये अपना ये खाली वाला से। उधर भुट्टा लगाया था, पानी इतना गिरा है कंटिन्यू गल गया, बेकार हो गया। फिर इनके धान से अपने धान में तुलना देखो, इनके धान से ये धान से और इस धान में पौधे में, हाँ, इसका थोड़ा कलर डार्क है इसका, अपना स्वस्थ है। हाँ, इन लोग पूरा हरा हरा। Thank you.
इसमें पानी बरसात वाला है या फिर वो पंप वाला? नहीं नहीं बरसात वाला है। इधर तो पंप की जरूरत पड़ता भी नहीं होगा, इस बार नहीं पड़ा होगा जरूरत। हाँ इस बार जरूरत नहीं पड़ा, पंप करवाना ही है, पंप वाला बोर्ड। तो इनके में ये ऐसा क्या करते हैं जो आप कुछ अलग करते हैं जिससे इस तरह हुआ? ये आपका धान मोटा है, उन लोग का धान नॉर्मल है। अभी खाद जो है ना, खाद का मात्रा अपन बराबर डाले हैं। हाँ। धान का एक एक पौधा लगा है, डबल डबल नहीं लगा है। हाँ, लोग ऐसे मुट्ठी में लेकर हाँ, लगाते हैं सिंगल सिंगल वन पीस से ऐसा है। इसीलिए हर एक पौधा को बराबर न्यूट्रिशन मिला है। यहाँ पर बात बेसिकली जंगली सुअर के बारे में हो रही थी कि जंगली सुअर आते हैं और सारी फसल ख़राब कर देते हैं, इसलिए तारों के फेंसिंग की जाती है ताकि वो अंदर ना आ पाए फसल के। हाँ अच्छा, इसे तार लगा देने से नहीं आता था फिर फसल में? आते हैं फिर भी, नुकसान करते होंगे सर? हाँ नुकसान तो करते ही, लेकिन थोड़ा बचाव हो जाता है। इस बार तो मैं तो पूरा बाउंड्री करवाऊँगा। हाँ इतना मेहनत करे आदमी आके बेकार कर देंगे सब। दूर दूर तक सब धान का ही खेती है सिर्फ, यहाँ धान ही होता है और दूसरा नहीं कुछ करता। तो खेत वेत घूम के तो आ गए हम, अब रूम पे पहुंच चुका हूँ।